प्यारे बच्चों, हाइड्रो डायनेमिक्स एंड हाइड्रो स्टैटिक्स दैट इज फ्लूड मैकेनिक्स में हाइड्रो डायनेमिक्स पढ़े थे, हाइड्रो स्टैटिक्स पढ़े थे। लेक्चर नंबर 7 में लिक्विड कॉलम का बॉटम पे प्रेशर पढ़ा गया था, स्टैटिक लिक्विड। रो जी एच फॉर्मूला आया था, पी नॉट प्लस रो जी एच। अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें हमने बताया था। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसमें है, आज पढ़ लेते हैं, इससे कि ये पूरा का पूरा फ्लूड मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है, और पूरा कोर्स भी फिनिश हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो स्टैटिक लिक्विड में जो प्रेशर पढ़ा था रो जी एच, अब हम लोग प्रेशर में वेरिएशन देख रहे हैं, वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ लिक्विड इनसाइड एक्सेलरेटेड कंटेनर। एक ऐसा कंटेनर जो क्या हो, एक्सेलरेटेड हो। तो वेरिएशन इन प्रेशर ऑफ लिक्विड इनसाइड एक्सेलरेटेड कंटेनर। अभी तक क्या था, कंटेनर रेस्ट में रहता था, लिक्विड भी स्टैटिक रहता था। लिक्विड तो अभी भी स्टैटिक ही रहेगा, बट कंटेनर जो होगा एसलेटेड होगा। इसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसलेशन का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हो। इसमें लिफ्ट मोशन का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। ऊपर अगर जा रहा है तो जी का स्थान पे जी प्लस ए लिख दो, नीचे जा रहा है तो जी का स्थान पे जी माइनस ए लिख दो। सीधा सीधा कहानी है। हाँ, हॉरिजॉन्टल एसलेशन होगा तब जाके लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो इंक्लाइंड हो जाता है, उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो फर्स्ट मोशन ऑफ कंटेनर इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो कंटेनर का मोशन है वो किस डायरेक्शन में है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में कंटेनर का मोशन है। ए जैसे ये कंटेनर है और यहां बी कॉन्सेप्ट बना दे रहे हैं, वही कंटेनर ये लिक्विड है, इसमें ये भी लिक्विड है, ठीक, ये इसका बॉटम है, और ये है बेटा H, लिक्विड कॉलम का जो हाइट है वो H है। यहाँ का प्रेशर पी नॉट, यहाँ का प्रेशर पी होगा, प्रेशर पी नॉट, यहाँ का बॉटम का प्रेशर बेटा पी होगा। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ये पूरा जो कंटेनर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एसलेशन से, ठीक है, और यहाँ पर जो कंटेनर है ये नीचे की तरफ जा रहा है एसलेशन से। बोलो, अब यहां का बेटा जो प्रेशर होगा, बॉटम का प्रेशर पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन सबको पता है कि जब कोई सिस्टम ऊपर या नीचे एसलेटेड होता है तो लिफ्ट मोशन का कॉन्सेप्ट चलता है, और न्यूटन लॉ मोशन बता चुके हैं हम कि जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो उसमें ग्रेविटी जी डैश बराबर जी प्लस ए हो जाता है। देख लो बेटा, यहां हो जाएगा जी प्लस ए इंटू एच। बस ये कॉन्सेप्ट तुम ध्यान दो कि अगर पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो यहाँ का जो प्रेशर लगेगा बॉटम पर, बॉटम का प्रेशर पी नॉट प्लस जो रो जी एच होता था उसमें जी का स्थान पे जी प्लस ए करना।
यहाँ ये नीचे आ रहा है तो यहाँ जो बॉटम का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, और जी के स्थान पे जी माइनस ए इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रेशर और बढ़ गया, यहाँ प्रेशर क्या हो गया थोड़ा घट गया, जी माइनस ए हो गया, यहाँ पर लिफ्ट का केस सीधे सीधे लग गया। अब हम लोग देखेंगे अगर कंटेनर का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, हॉरिजॉन्टल एसिलेटेड कंटेनर हो, सेकंड इफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर इज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटली एक्सेलरेशन हो रहा हो, और एक डायग्राम बनाते हैं बेटा। जैसे ये कंटेनर है, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसमें ये लिक्विड है, अब इसमें अगर हम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर में वेरिएशन देखें तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे यहां पर प्रेशर एक बराबर नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ये, देख रहे हो कंटेनर का जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल एसिलेटेड है। अब क्या होगा बेटा, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, लिक्विड का फ्री सरफेस, ये ऐसे थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। अब जैसे ये चार ऑप्शन बना के दे दे कि बताओ इसका जो फ्री सरफेस है उसका शेप कैसा होगा, फ्री सरफेस का शेप ऐसे चार ऑप्शन बना के दे सकता है। फर्स्ट ऑप्शन बेटा, सेकेंड ऑप्शन ये हो गया बेटा, थर्ड ऑप्शन, और ये फोर्थ ऑप्शन। ये लिक्विड है तो कहेगा कि वही शेप रहेगा जैसा शेप था पहले वही रहेगा, या शेप ऐसे हो जाएगा, देख रहे हो, या इस टाइप का शेप हो जाएगा। देखो या ऐसे शेप हो जाएगा, चार ऑप्शन है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, आओ देखते हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है इसको देखते हैं। इसका जो फ्री सरफेस है ये ऐसे बनाया है, इंक्लाइन हो गया है, इसमें ऐसे इंक्लाइन हो गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसको ऐसे दिखाएंगे बेटा, ये कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड है, लिक्विड इस तरह से हमने बनाया था, देख रहे हो। लेकिन ये कंटेनर हॉरिजॉन्टली एसिलेटेड है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसिलेटेड है। तो होगा क्या कि इस कंटेनर का जो सेंटर ऑफ मास होगा पूरे लिक्विड का, उसका वेट बेटा नीचे लगेगा, इस पे पुल फोर्स देखा जाए तो नीचे लगेगा। और एक यहां पर इसके सेंटर ऑफ मास है, यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, इधर एक इस पे सूडो फोर्स लगेगा एम इंटू ए, सूडो फोर्स। अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कौन, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर इसी एक्सेलरेटर सिस्टम में बैठा होगा। तो तुम देख रहे हो बेटा कि इस डायरेक्शन में एक इसका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, देखो ना पेलोग्राम मेथड से इसका देखो तो इधर एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, ये इसका क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स के बेटा परपेंडिकुलर तुम एक यहां सरफेस बना लो, नेट फोर्स के परपेंडिकुलर, तुम विश्वास नहीं करोगे बेटा, जो एसिलेटेड सिस्टम होगा पूरा कंटेनर अगर एसिलेटेड होगा तो फ्री सरफेस का शेप कैसा होगा, नेट फोर्स फ्री सरफेस के हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान दो। तो नेट फोर्स दिखा करके और फ्री सरफेस तुम एक बना दो नेट फोर्स दिखा करके, तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो कंटेनर है शेप पता चल गया कैसा होगा। देख लो ये कंटेनर इधर एसिलेटेड है, तो नेट फोर्स यहां पर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, ये एफ नेट।
परपेंडिकुलर, देखो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर तुम जो एक सरफेस बनाओगे ये इसका शेप होगा। तो जब कंटेनर एसलेटेड होता है तो ऐसे कंडीशन में फ्री सरफेस का शेप देखने के लिए उस पर नेट फोर्स दिखा लेना चाहिए सेंटर मास पर, और नेट फोर्स के परपेंडिकुलर एक सरफेस बना देना चाहिए, वही सीधा सीधा बेटा इसका आंसर होता है। ठीक है, ये लिक्विड है, ऐसा शेप हो जाएगा इसका। आगे समझ में, ये शेप बनेगा। इसलिए यहां पर आंसर कौन सा है, ये है देखो, इधर नेट फोर्स लगेगा और ये इसका शेप हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, ये कंटेनर है, द कंटेनर, इसका इंसुलेशन अगर इधर है बोलो, और इसमें ये लिक्विड है, तो फ्री सरफेस इसका कैसा होगा? तो अब क्या होगा कि जब ये इधर मोशन करेगा तो इसका वेट किधर लगेगा, एम जी, और इधर लगेगा सूडो, नेट फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में, आ गया समझ में। तो इसके परपेंडिकुलर, नेट फोर्स के परपेंडिकुलर तुम ऐसे एक लाइन ऐसे बना लो, इसलिए इसका जो शेप होगा अब ऐसे बन गया फ्री सरफेस। बोलो, इस तरह से ये शेप होगा इसका फ्री सरफेस, मतलब कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं है। इधर नेट फोर्स लग रहा है तो जिधर एसलेशन हो उस हिसाब से नेट फोर्स लिक्विड पे दिखा लिया करो, और नेट फोर्स के परपेंडिकुलर तुम एक सरफेस बना लिया करो, ऐसा शेप इसका बेटा आ जाएगा। ठीक, अगेन बेटा तुम अगर देख रहे हो कि ये कंटेनर अगर इस तरह से है और इसमें ऐसे एसलेशन है तो इसका शेप देखो इस टाइप से बन रहा है। जब इधर एसलेशन है तो एम ए इधर लगेगा, एम जी नेट फोर्स इधर लगेगा, तो ये शेप इसका देखो बन रहा है बेटा इस टाइप से, देख रहे हो? क्योंकि इधर इस पे क्या लग रहा है, एक नेट फोर्स इधर लग रहा है एफ नेट, ये कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो इसमें ये पूछता है कि बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा पूछता है। ठीक है, तो थीटा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये कांसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे शेप इसका बनेगा जब ये इधर मोशन करेगा, थीटा फाइंड करना। ठीक बेटा, क्या इसमें फाइंड करना है, टू डिटरमाइन एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा कितना बनाएगा जब ये एसलेटेड मोशन करेगा, लिक्विड का शेप ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए और एक अलग से फिगर बना लें, अगेन यहां कंटेनर बना लें, बड़ा डायग्राम बनाते हैं, का मोशन इधर है, कैसा मोशन, एक्सलरेटेड मोशन, तो शेप कैसा बनेगा, तो इधर नेट फोर्स लगेगा तो ये शेप बनेगा इसका, देख लो इस तरह से फ्री सरफेस का। बोलो, ये पूरा लिक्विड होगा, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, यहाँ का भी प्रेशर पी नॉट होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब बेटा यहाँ देखा जाए, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया जाए तो ये एंगल बनेगा थीटा, यही थीटा फाइंड करना है। यह बेटा एच,
अब अगर देखा बेटा तो यहां का प्रेशर अगर P1 होगा तो यहां का प्रेशर अगर P2 होगा, तो अब बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टली प्रेशर कांस्टेंट कब रहता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट कब रहता है स्टेटिक लिक्विड में, जब पूरा कंटेनर रेस्ट में रहे। यहाँ क्या होगा ना बेटा, P1 P2 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहाँ का प्रेशर P0 + ρgh हो जाएगा। देखो P1 का वैल्यू हो जाएगा P0 + ρgh, जो P1 होगा वो होगा P0 + ρgh, यहाँ वाला तो केवल P0 है, तो ये P1 P2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाए कि यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल बेटा एक सिलेंडर बनाया जाए। हाइपोथेटिकल सिलेंडर, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर बना लिए जिसका लेंथ कितना है, एल है, ये थीटा हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको क्या करें, इस सिलेंडर को हम अलग से बना लें फ्री बॉडी डायग्राम के रूप में, एबीडी बना लें फ्री बॉडी डायग्राम। ये सिलेंडर ऐसे है, हाइपोथेटिकल सिलेंडर, ये पूरा लिक्विड है, ये लिक्विड में ही हमने हाइपोथेटिकल सिलेंडर बना लिया। यहाँ प्रेशर, इसको ए मान लें, इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, तो यहाँ प्रेशर P1 है, तो फोर्स लगेगा बेटा यहाँ का P1 × a। इधर से जो फोर्स लगेगा F1 P1 × a, यहाँ का भी एरिया ए है, यहाँ का भी एरिया ए है, बट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इधर से जो फोर्स लगेगा F2 P2 a, इसका मास m होगा, ये इधर पूरा एसलेटेड है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वेशन करेगा, तो इसके सेंटर मास पे इधर एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा m × a। इसका लेंथ कितना है, एल है, बोलो। तो अगर इसका इक्वेशन बनावे तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर इसको क्या करेगा, रेस्ट में देखेगा। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर तो उसी पे बैठा होगा, किस में देखेगा, रेस्ट में, तो सभी फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो इधर देखो फोर्स लग रहा है कितना, F1, बोलो F1, और इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m × a, और प्लस क्या हो गया F2, क्योंकि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर इसको मोशन करते हुए नहीं देखेगा, वो किस में देखेगा बेटा, रेस्ट में देखेगा। ये उस कंटेनर में हमने लिक्विड का ही एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर मान लिया, तो तुम यहां से F1 को क्या लिख दो, P1 a इज इक्वल टू m × a, और F2 को क्या लिख दो, P2 × a, तो यहां से आ गया P1 a - P2 a इज इक्वल टू बेटा m × a, इसमें a कॉमन हो गया और आ गया P1 - P2, और मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एसलेशन। बोलो अब बताओ वॉल्यूम इसका कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, अरे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम होगा, रो इंटू ए, एरिया से एरिया क्या हो गया बेटा, कट गया। तो एक खास बात देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर का डिफरेंस यहां पर आ रहा है, देख रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर का डिफरेंस P1 ज्यादा आ रहा है P2 से, लेकिन ऐसा कब होगा, जब सिस्टम क्या होगा बेटा, एसेलरेटेड होगा सिस्टम। तो P1 - P2 डेल्टा ए इज इक्वल टू रो a × L। अच्छा एक से देखो, जिस तरह से तुम डेप्थ पे जाते हो तो प्रेशर का जो डिफरेंस आता है रो जी एच आता है ना, रो जी एच, तो वैसे एसेलरेटेड सिस्टम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर का डिफरेंस आया है, देखो ना रो जी एच तो ये भी है, रो a L, ए है इसका एसलेशन और एल है एच के सामने, एल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर का डिफरेंस और वर्टिकल डायरेक्शन डिफरेंस एक तरह से देखा जाए तो सेम है, बस इसमें क्या है, जी का स्थान पे ए यूज हो जा रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एसलेशन है। बोलो अब यहां से तुम देख रहे हो कि इसका इसका डिफरेंस इतना है, इसलिए P1 P2 से क्या है बेटा, ज्यादा है। इसलिए जब किसी कंटेनर में लिक्विड रख करके कंटेनर को हॉरिजॉन्टल एसलेशन कराया जाता है तो कंटेनर का फ्री सरफेस क्या होता है, इंक्लाइंड हो जाता है, और उसको कैसे देखते हैं, एक नेट फोर्स देख लिया जाता है, और नेट फोर्स देख करके और वहीं से एक परपेंडिकुलर, नेट फोर्स के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दिया जाता है, और वो लाइन उसके क्या हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर हो जाता है, और पता चल जाता है कि फ्री सरफेस उसका कैसा होगा, मेनिस्कस उसका कैसा होगा। ठीक, तो अगेन
इस तरह से बेटा देखा जाए अगेन, तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस आया पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एल आया कि नहीं आया, और जो पी वन का वैल्यू अगर होगा, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए पी वन का वैल्यू बेटा, तो ये होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, एच के टर्म में देख लो पी वन का वैल्यू हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी टू का वैल्यू बेटा पी नॉट इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एल, पी नॉट से पी नॉट बेटा कट गया, तो यहां से तुम देख लो रो जी एच इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एल आ गया, जी से जी भी बेटा यहां से कट गया, तो यहां से देखा जाए तो एच अपान एल, देखो एच अपान एल इक्वल टू कितना आ गया ए अपान जी, और तुम इस डायग्राम में तुम देखो ना एच अपान एल को हम लोग क्या कहेंगे, देखो एच अपान एल परपेंडिकुलर अपान बेस इज टेन थीटा, ठीक बेटा, तो इसको हम लोग कह देंगे टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटी, ये रिलेशन देखो मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी। तो जब कोई कंटेनर एसलेटेड होता है तो उसमें जो लिक्विड इंक्लाइंड हो जाता है तो हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल बनाता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी, जिसमें थीटा यहां से आप क्या कर सकते हो बेटा फाइंड कर, ये खुद में एक क्वेश्चन है कितना थीटा बनेगा, तो टेन इनवर्स ए अपॉन जी बनेगा, ए क्या है सिस्टम का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब आओ बेटा थोड़ा इस पे क्वेश्चन कर लें, इफ लिक्विड लिक्विड इज फिल्ड इन ए क्यूबिकल कंटेनर, एक क्यूबिकल कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, देन फाइंड आउट, तो ये जो कंटेनर है पूरा का पूरा लिक्विड से फिल्ड है और क्यूबिकल कंटेनर है, देख लो सभी साइड उसके सेम है क्यूबिकल, देन फाइंड आउट हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर सो दैट हाफ अमाउंट ऑफ लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम कंटेनर, यानी किस एसलेशन से उस कंटेनर को मोशन कराया जाए, किस एसलेशन से जिससे कि उसमें से आधा लिक्विड से बाहर निकल आवे, तो ए का वैल्यू पूछ रहे हैं, ए का वैल्यू जी होगा या जी बाई टू होगा या टू जी होगा या टू जी बाई थ्री होगा, देख रहे हो क्वेश्चन कैसा है, तो क्यों बाहर निकले तो पता ही है भाई, उसका जो सरफेस फ्री सरफेस होता है वो देखो ये कंटेनर है इसमें पूरा लिक्विड भरा है, ऐसे क्वेश्चन में मानेंगे कि ये टोटल इसमें लिक्विड भरा है, क्यूबिकल कंटेनर है ये भी एल है तो ये भी एल है, इसका डेप्थ मतलब जो ये हाइट है और ये ब्रेथ है और इसका जो लेंथ है वो भी क्या है एल है, अंदर की तरफ जो इसका एक साइड है वो भी एल ही है, वॉल्यूम है इसमें, तो कितने एसलेशन से मोशन कराया जाए कि इसमें आधा लिक्विड इसे बाहर निकल आवे, तो तुम एक और बेटा डायग्राम बना लो, क्योंकि पता है कि ऐसे क्वेश्चन में ये जो सरफेस होता है ऐसे हो जाता है, तो एक और डायग्राम बनाओ, वही कंटेनर, ऐसा कंटेनर है बेटा क्यूबिकल, तो जब ये ए एसलेशन से इधर मोशन करेगा यही ए फाइंड करना है, तो तुम पढ़े हो कि इसका सरफेस बेटा ऐसे हो जाता है और आधा लिक्विड निकल जाना है, और ये क्या है बेटा क्यूब है, बोलो ये क्यूब है, तो आधा लिक्विड कब निकलेगा, जब ये सरफेस देखो फ्री सरफेस ऐसे बनेगा, आधा आधा ये ऐसे बनेगा, देखो आधा लिक्विड इतना गायब हो गया ये लिक्विड बच गया, आ रहा समझ में, ये कंफर्म कर दिया कि आधा लिक्विड इसमें से गायब हो जाना है, तो बेटा जब ए एसलेशन से ये चलेगा ए एसलेशन से, तो ये पूरे वॉल्यूम का देखो हाफ हमने बना लिया, आधा लिक्विड इसमें से निकल के बाहर चला गया, तो कितना एसलेशन होना चाहिए, तो बताओ ये कितना आ गया एल, और ये भी बेस भी क्या हो गया एल, और यही क्या हो गया थीटा,
यहां से आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर ए अपान जी। अभी पढ़े हो बेटा, देख लो, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपान जी, इस फॉर्मूले को लगा दो, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपान जी। और यहां से देखो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस एल अपान एल इज इक्वल टू ए अपान जी, ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू ए अपान जी। तो ए किसके बराबर आ गया, जी के बराबर। यानी एसलेशन टू ग्रेविटी जितना होता है उतने एसलेशन से अगर इस कंटेनर को मोशन कराया जाए तो इसमें से आधा लिक्विड निकल के बाहर चला जाएगा। इसका शेप ऐसा हो जाएगा, नेट फोर्स देखो इधर लगेगा, नेट फोर्स इधर लगेगा इस पर, एफ नेट, जो नेट फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर मेनिस्कस का यहां पर सरफेस होता है। तो कौन सा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ ए कंटेनर, इफ ए कंटेनर इज फिल्ड बाई ए लिक्विड, इफ कंटेनर इज क्यूबिकल, कंटेनर क्यूबिकल है, देन फाइंड आउट हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर सो दैट वन थर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम कंटेनर। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देख लें, ये इसका ऑप्शन है बेटा, देख लो, a is equal to g by 2, a is equal to 2g by 3, a is equal to 3g by 2, a is equal to g। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हाफ लिक्विड बाहर निकल जा रहा था, तो हाफ में ये देखो यहां आ गया, आधा वॉल्यूम इसका सामने खाली कर दिया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वन थर्ड इम्पटी हो जाएगी, वन थर्ड अमाउंट लिक्विड इसमें से बाहर निकल जाए। तो एच देखना पड़ेगा कितना आ रहा है इसमें, ये कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर बेटा, क्यूबिकल कंटेनर, ये एल है, ये सब एल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पूरा लिक्विड इसमें भरा हुआ है, ये एसलेशन से मोशन कर रहा है। अब एक और डायग्राम बनाएंगे, कितने एसलेशन से मोशन करे कि इसमें से वन थर्ड लिक्विड बाहर निकल जाए, तो वन थर्ड लिक्विड तुम इसमें से इम्पटी कर दो, वन थर्ड इम्पटी कर दो इसको, ये एसलेशन ये फाइंड करना है। तो वन थर्ड अगर हम इसमें से इम्पटी करेंगे तो ये कहीं यहाँ ऐसे आएगा, देखो ये वन थर्ड हो गया, ये इतना इम्पटी हो गया। अब ये आधे पर नहीं आएगा बेटा, हाफ पोर्शन इम्पटी नहीं हो रहे है, बोलो ये जो है टोटल का वन थर्ड है, ये तो कन्फर्म है भाई एल है, ये सब एल है, लेकिन अब अगर देखा जाए एंगल के हेल्प से तो यहां पे एक लाइन बना लें, तो ये थीटा आ रहा है, जब एच पता चलेगा तभी जाके बेटा आप टेन थीटा निकालोगे और टेन थीटा को ए बाई जी लिख दोगे। तो एच निकालने के लिए क्या करें भाई, ये जो वॉल्यूम है इम्पटी, जो वॉल्यूम है बताओ इम्पटी वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम का कितना है, वन थर्ड, और टोटल वॉल्यूम होगा क्या, क्यूबिकल वॉल्यूम एल क्यूब बाई थ्री,
अरे क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब होता है। अच्छा एम्प्टी वॉल्यूम कितना है, तो इतना वॉल्यूम तुम ये जो है इतना वॉल्यूम निकालो जो खाली हुआ है। तो ये शेप देखो ट्रायंगल का है, ट्रायंगल का शेप है लेकिन उसमें डेप्थ भी है अंदर की तरफ। तो इतना जो वॉल्यूम निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा हाफ हाफ इंटू बेस एच इंटू हाइट, या बेस इसी को कह लो एल, ये हो गया हाफ ट्रेंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस इज एच हाइट इज एल, और फिर वॉल्यूम चाहिए तो एक अंदर डेप्थ होगा क्यूब में, एक अंदर डेप्थ अंदर की तरफ होगा तो वो भी एल होगा बेटा। सोचो इस बात को, थ्री डायमेंशनली इज इक्वल टू एल क्यूब बाई थ्री। तो यहां से देखो एल से एल सब कट गया और एच का वैल्यू हमारे हिसाब से आ गया टू एल बाई थ्री। ये एच का वैल्यू आ गया टू एल बाई थ्री, देखो टू इधर गया टू एल बाई थ्री, एल स्क्वायर से एल कट गया। अब अगर यहां से हम लोग वाला फॉर्मूला लगा दें टैन थीटा इजकल टू ए बाई जी, और टैन थीटा यहां पर है कितना, देखो टैन थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एल, तो टैन थीटा का वैल्यू रख दो एच अपॉन एल इज इक्वल टू ए बाई जी। एच का वैल्यू कितना आया है इसको रख दो, एच का वैल्यू आया है टू एल बाई थ्री, एच का वैल्यू टू एल अपॉन थ्री, एल पहले से इजकल टू ए बाई जी, एल से एल कट गया तो देखो ए आ गया ए इज इक्वल टू टू जी अपॉन थ्री। इतने एसलेशन से वह मोशन करेगा कंटेनर तो 1/3 लिक्विड इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू टू जी बाई थ्री आंसर आ गया। क्या आंसर दिया इसमें देखो, हाँ इज इक्वल टू टू जी बाई थ्री, ये आंसर है। और आधा लिक्विड अगर निकालना है तो जी एक्सलेशन से मोशन कराना पड़ेगा, जैसे 1/4 कह सकता है, 1/6 कह सकता है, सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तुम देख रहे हो इस तरह से इस पूरे फ्लूड मैकेनिक्स में दो कॉन्सेप्ट था, हाइड्रोडायनेमिक्स हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में बर्नौलीज प्रिंसिपल है, हाइड्रोस्टेटिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, स्टोक्स थ्योरम है, टर्मिनल वेलोसिटी है, इफ्लक्स वेलोसिटीज के कॉन्सेप्ट ये सब पढ़े हम लोग। फिर किसी भी लिक्विड का कंटेनर में लिक्विड है उसका लिक्विड कॉलम का क्या, उसके बॉटम पे प्रेशर होगा, पूरा लिक्विड रेस्ट में है स्टैटिक लिक्विड है, कंटेनर मोशन कर रहा है ऊपर के तरफ चाहे नीचे की तरफ चाहे हॉरिजॉन्टली, यह हर वैरायटी के क्वेश्चन हमने क्या करा दिया बेटा सॉल्व करा दिया और पूरा फ्लूड मैकेनिक्स आपका फिनिश हो गया। इसके पहले हमने पूरा इलास्टिसिटी बताया था, सरफेस टेंशन बताया था, फ्लूड मैकेनिक्स भी फिनिश हो गया और पूरा कोर्स भी बेटा आप लोगों का क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है कंप्लीट कोर्स, एक एक लाइन बेटा रिवाइज कर डालिए, नोट्स बना लीजिए जिससे कि बार बार वीडियो ना देखना पड़े, और नोट्स को पूरा तैयार कर डालिए, असाइनमेंट पूरा भेजा ही गया है, खूब क्वेश्चन कर लीजिए, बुक से भी क्वेश्चन कीजिए, हौसला बुलंद रखिए बेटा, पूरा जब तैयार होगा तो निश्चित है बेटा आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।